हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है सीकेडी पे बात करेंगे हम। आप सब ने ऑलरेडी रेनल डिजीज को पढ़ा हुआ होगा। हम इसका स्टार्ट करते हैं प्रोसेस से कि केयर प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स होती क्या क्या हैं। फर्स्टली जब भी हम किसी भी सेटअप पे बैठते हैं तो सबसे नीड क्या होती है हमारे पैनल की। पैनल में कौन कौन आता है, जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको आपको पता होना चाहिए कि एज अ न्यूट्रिशनिस्ट या एज अ डाइटिशियन क्लिनिकल डाइटिशियन आप वर्कआउट करते हो तो आपको आपको जो आपकी टीम है उसको साथ लेके चलना होता है। उस टीम में जो नेफ्रोलॉजिस्ट टीम होती है, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, पैरामेडिक्स स्टाफ होता है, सोशल वर्कर्स होते हैं, पेशेंट्स, उसके बेस्ट फ्रेंड्स, सारा इन सब के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो रेनल स्पेशलिस्ट डाइटिशियन है जो स्पेशलाइजेशन करता है वो। अगर रेनल वे है जैसे सारे पेशेंट्स अलग अलग। अब आवाज आ रही है आप उनको? मैम कम है थोड़ी सी। अच्छा एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अब ठीक है? जी बेहतर है, अब काफी बेहतर है। तो हमारा जब पैनल स्टाफ हो जाता है हम स्पेशलाइजेशन करते हैं। आफ्टर हमारी जब डिग्री कंप्लीट होती है हमें हमें पता है कि हमारे फर्दर मोर स्टेप लेना है, हम किस तरफ स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं। तो अगर इस टॉपिक में जब हम लेके चलें, साथ लेके चलें, तो सबसे सबसे जो सॉरी मैं लेक्चर खोलूं, जो रेनल स्पेशलिस्ट होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, उनको क्या क्या मेन मेन चीजें पता होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, उनके लिए क्या जरूरी है। देखें किडनी के लिए, किडनी जो है ना वो बहुत सेंसिटिव पार्ट होती है और उसका उसकी केयर बहुत जरूरी होती है। अगर कोई पेशेंट रेनल आ जाता है तो आपने उसको कैसे ट्रीट करना है। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, सर स्लाइड कीजिएगा नेक्स्ट। जी ये रोल क्या होना चाहिए एक रेनल न्यूट्रिशनिस्ट का। इसमें बताया गया है कि ट्रेंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब उसको सारी स्टेप बाय स्टेप सारी नॉलेज होनी चाहिए कि अभी पेशेंट आया है उसकी क्या करनी है, हाई वेट लेना है, उसकी डायट्री रिकॉल करनी है, उसका इंटरव्यू करना है, उसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट थेरेपी प्लान करनी है कि इसको चलाना कैसे है, इसका तरीका कार करना है कैसा होना चाहिए, पेशेंट की काउंसलिंग करना, उसकी फैमिली की काउंसलिंग करना और उनकी ऐसी एक्टिविटीज करवाना जिसमें जो उनके लिए बेटर हो, जिससे आपको आसानी हो सके पेशेंट का साथ चलना। जब तक आप काउंसलिंग नहीं करेंगे, एक बेस्ट आपका पार्ट है, आप एज अ न्यूट्रिशन आपके पास कमांड ही सिर्फ काउंसलिंग का है, मतलब आप बेस्ट काउंसलर हो, आप बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हो, आप अपनी बात समझा सकते हो, तो आपका रिजल्ट भी आपको 110% मिलता है। जब हम इस अब अगर अगर तो आप किसी चीज में आपकी थोड़ी सी कमांड रह जाती है, आपको नहीं इल्म में नहीं आता, जितने भी क्लिनिकल वर्कआउट करने वाले डाइटिशियन आते हैं अगर उनको किसी भी स्पेक्ट्रिज्म हो, इफेक्टिवनेस नहीं आता, फिर उसका रिजल्ट नहीं निकलता। अगर आपकी नॉलेज नहीं है, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं है, आपको थेरेप्यूटिकल न्यूट्रिशन सही तरीके से लेना नहीं आ रहा, तो आपके लिए बहुत सारे मसले मसाले खड़े हो सकते हैं। किसी भी पेशेंट को लेने के लिए, किसी भी आपको किसी भी पेशेंट किसी भी डिजीज के साथ आया हुआ है, कोई भी पेशेंट है उसको आप ले रहे हैं, तो पहले आपको पता होना चाहिए उस डिजीज के बारे में। उस डिजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या चीज है, इसमें किस चीज की रोकने को बोला हुआ है, किस चीज को बढ़ाने को बोला हुआ है, कौन सी चीज ऐसी है जिसे जिसको हम कमी पेशी करके इसकी डाइट चार्ट बना सकते हैं, कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे इसको नुकसान पहुंच सकता है,
कौन सी चीज हमने कौन से इसको फूड देने हैं, कौन से फूड आइटम नहीं देने, अलाउड और नॉट अलाउड को आप चेक करके उस फिर आप साथ लेके चलेंगे। अदरवाइज आप एक डाइटिशियन अगर अपने डाइट में और अपने नॉलेज में कमांड ना रखता हो तो फिर मेरा निकल कि वो आगे चल सकता है। नेक्स्ट, इसमें बताया गया कि स्क्रीनिंग करनी, सीकेडी की करनी कैसी चाहिए। जो इंडोर पेशेंट्स होते हैं उसे हम वीकली कर रहे होते हैं, और जो आउटडोर पेशेंट होते हैं उसे 2 to 3 months की स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं। इसमें डायलिसिस की बात है, उसे हम नहीं छोड़ते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, डायलिसिस को मैं भी नहीं छोड़ती। नेक्स्ट टॉपिक सारा डायलिसिस के बारे में है। छोटी सी बात बता देती हूँ कि डायलिसिस में माल न्यूट्रिशन हो जाता है। सीकेडी में वैसे भी जो पेशेंट है या कोई बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, वो मालनरिश हो जाता है। उसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि इनमें जो है ना प्रोटीन एनर्जी मालनरिश शुड बी अवॉइडेड, मतलब हमने प्रोटीन इसमें अवॉइड करना होता है क्योंकि पूरा पेशेंट हमें उसका आउटकम नहीं दे रहा होता। सर इसका नेक्स्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, उसे भी नेक्स्ट। इसमें एक सीकेडी के बाद नेक्स्ट, हाँ जी सीकेडी रखिएगा, यही रखिएगा। अब इसमें जो है ना सीकेडी के में बताया गया है कि भी हमारी जो डाइट है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने मेंटेन करना है, हमें उसका न्यूट्रिशन स्टेटस को बराबर करना है, उसकी वो जो मानर जा रहा है उसकी हमने प्रोटीन जब रोकनी है तो हमने उसको कहाँ से पूरा करना है, उसकी डिजीज को कैसे रोकना है, रोकथाम करनी है, और किस डिजीज से अदर जो कंडीशंस आती हैं वो नीचे स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है, वो अभी आप उस पर कमांड नहीं करते। नेक्स्ट, जो डिटेल में लेक्चर होगा वो बताएंगे। नेक्स्ट प्लीज। इसमें जो है ना जो ये डायलिसिस के बारे में है, इसमें जो है ना हमारे पास छोटी सी बीच में आप लिखा हुआ गुड मील प्लान choices can minimize build-up of waste product and build between the treatment, improve small nutrition and functional status, convert muscle mass। इसमें ये होता है कि भी हम जब dialysis patient लेते हैं, ये एक बहुत बड़ा topic है, इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ रही हूँ sorry। तो इसमें इसको अलग से आपको detail में दिया जाएगा। इसमें हमने एक एक छोटी से छोटी minor सी बात को भी हमने देखना होता है, क्योंकि इसमें जो डायलिसिस हम कर रहे होते हैं उसमें बहुत सारी वेस्टेज हो रही होती है हमारे ही प्रोडक्ट्स की, हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, उसके लिए हमने बहुत सोच विचार करने के बाद डाइट देनी होती है। सर नेक्स्ट कीजिए। इसमें लिखा तरीकाकार बताया हुआ है कि भी हमने हिस्ट्री न्यूट्रिशन स्टेटस कैसे देखना है, कि हम हिस्ट्री देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसका देखते हैं कि भी वो उसका लॉस तो वेट नहीं हुआ, वहाँ मसल वेस्टिंग तो नहीं हुई, डाइटरी हिस्ट्री लेना होना है। उसके बाद हम उसके हाइट वेट बायोकेमिकल लेबोरेटरी टेस्ट, अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में बैठे हुए हैं तो ये चीज़ें पीछे से हो के आती है, मीन कोई भी डॉक्टर है वो ये रिकमेंड करके दे देता है, उसके बाद ये सारे टेस्ट वगैरह करवा देता है, लैब्स करवा देता है, देन आपके तरफ रेफर करता है और फिर आप अपनी डाइट काउंसलिंग करते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट क्लिनिक में बैठे हो तो आपको ये सब कुछ खुद करना होगा, सारा तरीकाकार आपको आना चाहिए कि भी इसके लिए इस जिस के साथ पेशेंट आया हुआ है, जैसे बिल्कुल आपके पास सीकेडी का पेशेंट आया हुआ है तो आपको पता है कि उसके टेस्ट कौन से हैं, उसकी उसको क्या क्या टेस्ट लैब टेस्ट करवाने हैं, उसके हाइट वेट लेनी है, उसके BMI निकालना, उसके बॉडी वेट निकालना, उसकी कैलरीज निकालना, उसके फ्लूइड निकालना, ये सारा कुछ कमांड आपने खुद रखना होगा। नेक्स्ट BMI है, ये शायद आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपको आता है, एडल्ट बॉडी वेट निकालना, बॉडी वेट को एडजस्ट करना, जनरल रिकमेंडेशंस हैं फ्लूड की, ये सारी आपको आते हैं, डायलिसिस डायलॉग आपको। अब कैलोरीज पे आ जाए सर, कैलोरीज का टॉपिक है, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट नेक्स्ट
नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हमने सीखे डे में करना क्या है कि हमने पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट, फैट और कम प्रोटीन पे रखना होता है। उसकी कैलकुलेटेड जो बेस करनी होती है, हमें उसका करंट वेट होता है, उसका जो वेट अब तक उस डिजीज से गया होता है कि भी इस डिजीज पहले करंट पहले वेट इसका ये था, अब करंट वेट ये है, जो उस डिजीज से पहले उसका वेट कितना था और अब कितना हुआ है, एज और जेंडर साथ, फिजिकल एक्टिविटी, मेटाबॉलिक स्ट्रेस, इन सब का एक फार्मूला होता है, उसे पुट अप करना होता है। नीचे उन्होंने एक छोटी सी बात लिखी है कि 35 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे ग्रेटर देन 60 ईयर पेशेंट को हम देते हैं। 30 to 35 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे, सॉरी लेस देन 60 ईयर को देते हैं, और नीचे है ना ग्रेटर देन 60 ईयर को देते हैं। तो अब क्या होता है, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ डाइटिशियन, हम इसको लेके चलते हैं। आपके पास, आपको पता है, आपके पास पेशेंट आया हुआ है, आपको पता है कि आपने इसकी कार्बोहाइड्रेट पे इसको रखना है, इसके फैट रखना है और कम प्रोटीन पे रखना है, तो आपने इसको कैलोरीज कैसे देनी है। अगर तो आप कोई फार्मूला पुट अप करते हैं, वहां से निकालते हैं, तो ओके, लेकिन आपका एक आइडियल आपके पास ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए। वो ये है कि आप जो लेस देन 60 ईयर है उसको 35 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे देंगे, और 60 से ज्यादा जो है 30 to 35 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे देंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है। और ऊपर वाली चीज में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जब आपका वेट गिर रहा होता है, किसी भी पेशेंट का वेट गिर रहा है किसी भी डिजीज के साथ है, ठीक है, वो आपके पास आया है, उसका आपने BMI और आइडियल बॉडी वेट निकाले, आपको पता चला है उसका वेट इतना है, होना इतना चाहिए, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जब हम कैलोरीज उसकी बिल्कुल, किसी बच्चे की कैलोरीज 1200 आ जाती है, 1300 आ जाती है, तो हम क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा बढ़ा के उसका गोल उसकी कैलोरीज को 15 तक ले जाते हैं, 14 तक ले जाते हैं, इतने तक ले जाते हैं कि भी उसके अगर कैलोरीज बढ़ भी जाए उसका वेट बढ़ेगा, लेकिन उसको अदर कोई इश्यू नहीं आएगा हमारे हमारी डाइट से, क्योंकि अगर हम कैलोरीज बढ़ाएंगे तो डाइट बढ़ेगी। डाइट में हमने जो रिस्ट्रिक्शन करनी है उसको हमने लाजमी फॉलो करना है कि हमने इसमें प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट रखी हुई है, तो प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट रखी हुई है तो वो कैसे आप करेंगे, प्रोटीन को कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, आप परसेंटेज पे रखने हैं पेशेंट को, अगर बड़ा बच्चा है जाहिर सी बात है तो परसेंटेज पे रखेंगे, जो नॉर्मल रिकमेंडेशन है, जो नॉर्मल उसका बताया गया है उससे आप पॉइंट्स को कम कर देंगे, 2 to 3%, 4%, 5%, वो उस पेशेंट की, जो पेशेंट आपके सामने आया हुआ है उस पेशेंट को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आपने उसको करना है कि एज वाइज उससे निकलता कितना है। ज्यादा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करते, क्योंकि प्रोटीन आगे मैं आपको बताती हूँ क्या क्या काम करती है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अब ये है कि इसमें क्या होता है कि हम कार्ब वाली चीजों को ऐड कर देते हैं इस डाइट में, जैसे राइस, नूडल्स, ब्रेड, क्रैकर्स एंड कुक्ड वेजिटेबल, सर इसके पीछे वाली है, ऐड एक्स्ट्रा सैलेड ड्रेसिंग होना, नॉन प्रोटीन कैलोरीज सप्लीमेंट कैन बी एडेड। इसके लिए आपको फिलहाल अभी कमांड नहीं है सप्लीमेंट्स के लिए, लेकिन ऐसी बार और ऐसी चीजें बनाई बनाई जा चुकी हैं, ऐसे सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जिसमें प्रोटीन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। तो हम जब इसको कार्ब पे रख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कार्ब पे रखना है, तो उसके लिए राइस, नूडल्स, ब्रेड, क्रैकर्स और कुक वेजिटेबल लेना है, लेकिन इसमें भी एक चीज आपने मद्देनजर रखनी है कि जो आपने अपने प्रोटीन की परसेंटेज निकाली हुई है उससे क्रॉस नहीं करना। जो प्रोटीन आपने रखा हुआ है कि आपने सोच लिया मैंने इसको इतने परसेंटेज पे रखना है, उस परसेंटेज की जो अमाउंट है उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। अब प्रोटीन क्या करती है, अगर प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट हो जाए, प्रोटीन का पहले काम क्या है, प्रोटीन का काम क्या है कि वो बिल्ड करती है मसल्स को, आपकी रिपेयरिंग करती है टिश्यू को, फाइटिंग इन्फेक्शन और कीप फ्लूइड बैलेंस इन द ब्लड, ठीक हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रोटीन का काम है। अगर प्रोटीन को अपने लेवल से बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, बॉडी प्रोटीन बॉडी में से प्रोटीन अगर बहुत कम हो जाए तो अदर इश्यूज होना स्टार्ट कर देते हैं। टू काइंड ऑफ प्रोटीन्स हैं हमारे पास, एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन, ठीक है। HBV और LBV लिखा हुआ है, HBV हाई बायोलॉजिकल वैल्यू को कहते हैं, LBV लो बायोलॉजिकल वैल्यू को कहते हैं। जो एनिमल प्रोटीन है उसमें मीट, फिश, पोल्ट्री, एग एंड डायरी आ जाएगा, और प्लांट बेस्ड में आपको पता है ब्रेड, ग्रेन, वेजिटेबल्स और पीज फ्रूट्स और ड्राइड बीन्स वगैरह आ जाएगा। तो नीचे सब छोटे से एक हेडिंग है, उसमें लिखा हुआ 50 to 70% शुड बी ऑफ HBV।
मतलब ज्यादातर हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन देंगे। वेल बैलेंस डाइट फॉर किडनी पेशेंट शुड इंक्लूड बोथ काइंड ऑफ प्रोटीन एवरीडे, मतलब दोनों प्रोटीन लेनी है, दोनों को रखना है। अच्छा, नीचे जो चीज मैंने बताया है कि प्रोटीन बार, प्रोटीन पावर, सप्लीमेंट ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, लेकिन ज्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन मौजूद हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए एज अ डाइटिशियन आप लोगों को मालूम होना चाहिए, प्रोटीन इंटेक होनी कितनी चाहिए। सीकेडी की स्टेज होती है, स्टेज 1-3 में जो है ना 0.75 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन अलाउड होती है। स्टेज 4 और 5 नॉट ऑन डायलिसिस, मतलब जो 3 तक है वो मेडिसिन पे इस तरह चलते हैं, 4-5 भी मेडिसिन पे चलते हैं, लेकिन डायलिसिस नहीं है उसकी, है 0.6 ग्राम पर केजी पर डे इनकी रिकमेंडेशन होती है। स्टेज 5 सिर्फ डायलिसिस है, जब हमारे पास कोई चारा नहीं बचता तो हम पेशेंट को डायलिसिस पे लेके जाते हैं, उस टाइम 1.2-1.3 ग्राम पर केजी पर डे। आपके लिए पिछला पूरा जो डिस्कशन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी इम्पोर्टेंट ये स्लाइड आप लोगों के लिए है। जब तक आपको ये रिकमेंडेशन याद नहीं होंगे, आपको ये याद नहीं होगा कि स्टेज 1-3 पे आपने कितने ग्राम प्रोटीन देनी है, स्टेज 4-5 पे कितने देनी है, स्टेज 5 पे कितने देनी है, आप एक अच्छे तरीके से पेशेंट को डिलीवर नहीं कर सकते। आपकी प्रोटीन ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम होगी, आपकी प्रोटीन कम होने से भी प्रॉब्लम होगी। अगर स्टेज 5 का पेशेंट है और उसे आप स्टेज 1-3 की जो डाइट दे रहे हैं तब भी पेशेंट क्रिटिकल है, आप 4-5 है तब भी उसको 1-3 का रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो भी प्रॉब्लम में है पेशेंट। तो जो सीकेडी के पेशेंट है उन्हें इसको समझ के लेके चलना होता है। अब हम स्टेज 1-3 पे आते हैं, इनकी रिकमेंडेशन जो है 55 ग्राम, 55 ग्राम जो है ना उसमें क्या आ जाता है, 1/2 कप मिल्क, 1 एग और या 2 एग हो सकते हैं वाइट, 3 ounce मीट है, 3 vegetable एंड 3 fruits, 8 servings ऑफ ग्रेन्स है। अब अगर इसको हम यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी लिंक आउट करती जाऊँ, जितने भी हमारे ये पेशेंट्स हैं अगर ओवरवेट हैं या कुछ भी हैं, अगर उनको हम पोषण डाइट के मुताबिक डाइट स्टार्ट कर दें तो उनके बहुत सारे मसले मसाइल वैसे खत्म हो जाएंगे। नॉर्मली अगर हम घर में आम इंसान भी, आम मतलब नॉर्मल पर्सन भी अगर पोषण डाइट लेना स्टार्ट कर दें अपने हेल्दी वे में, मतलब हेल्दी वेट को करके हम लेके चलें, तो भी हमें बहुत सारी बीमारियों से निजात मिल सकती है और हम बच सकते हैं उनसे। स्टेज 4-5 नॉट ऑन डायलिसिस, ठीक है, 0.6 ग्राम पर केजी पर डे, इसका 41-48 ग्राम बनेगा, 1.5 कप मिल्क, 1 एग और 2 एग वाइट, 2 ounce मीट, 5-6 वेज एंड फ्रूट, 5-6 सर्विंग पर ग्राम। अच्छा, स्टेज 5 में क्या आ जाता है, 82 ग्राम आ जाते हैं, 1/2 कप मिल्क, 2 एग और 4 एग वाइट, 6 ounce मीट, 3 वेज और 3 fruit, 11 सर्विंग ऑफ ग्रेन्स। अच्छा, अब क्या है कि अगर मालनरिश हो जाता है इंसान और उसके लिए नीचे सब लिखा हुआ है, ऑल स्टेजेस इफ मालनरिश ईट एडिशनल प्रोटीन, हेलो जी मैम, आवाज आ रही है? अब आ रही है, पहले ऑफलाइन हो गया था शायद। हाँ जी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया शायद। अच्छा, नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। और ये नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट डीपर चलिए। अच्छा,
इसमें लिपिड लिपिड डले हैं, लिपिड्स पीछे बैक बैक जी। अच्छा अब लिपिड से क्या होता है कि जब लिपिड फैट ज्यादा हो जाते हैं तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज का डर बहुत ज्यादा, रिस्क हाई रिस्क पेशेंट चला जाता है, कोई भी हो नॉर्मल इंसान हो, तो अगर लिप फैट जा रही है हमारी बॉडी में तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज ज्यादा होने का डर होता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट ऑफ फैट जो है वो है 30% टोटल कैलोरीज। नीचे सबसे नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है 250 to 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पर डे, इससे ऊपर जाने नहीं चाहिए। जो इनमें आपके लिए मोटी मोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, जस्ट मैं वो बता रही हूँ कि फैट की जो रिक्वायरमेंट है वो 250 to 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पर डे। कार्बोहाइड्रेट भी लेके आइएगा। कार्बोहाइड्रेट सिक्सटी टू 70% टोटल कैलोरीज, 70% कॉम्प्लेक्स शुगर से लेना है हमने, 30% सिंपल शुगर से लेना है। अब कॉम्प्लेक्स शुगर और सिंपल शुगर को आप कैसे डिफरेंट करेंगे, किस तरह लेके चलेंगे, वो एक नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको क्लियरली इसमें वाजे फर्क बता के सारा समझाऊंगी। फाइबर इंटेक में ऑप्टिमम फाइबर इन 20-25 ग्राम पर डे। इसमें सीकेडी में जो चीजें हम देखते होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, सोडियम, जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो जिनको हम फॉस्फोरस सीकेडी में हमने इसके नॉर्मल अमाउंट कितनी होती है, रखनी कितनी है, रिकमेंडेशन कितनी है हमारी, किस चीज़ पे नजर रखना होता है हमें। अब हम फाइबर इनटेक इसमें होना चाहिए और कितना होना चाहिए कि वो 20 से 25 ग्राम पर डे। अब ये होता है कि जब हम हाई फाइबर लेते हैं तो उससे हमारी जो इनटेक होता है एसोसिएट विद द डिक्रीज इन्फ्लेमेशन एंड ऑल के as mortality in patient with the chronic kidney disease। ये हमारे जो इन्फेक्शन होता है उसको थोड़ा सा रोकथाम में हमारी मदद करता है। फाइबर इनटेक में नेक्स्ट पिक है क्या क्या होना चाहिए। हाई फाइबर में जैसे हमारे पास चीजें आ जाती हैं, इसमें थोड़ा सा मेडिकल लिखा हुआ है ये आपको समझ नहीं आएगा। हाई फाइबर डाइट हमारी होती है, हाई फाइबर डाइट को भी देते हुए इस डाइट में सीकेडी में जब हम कोई भी डाइट कोई भी फूड देंगे तो हम उसमें पोटेशियम फास्फोरस और सोडियम की अमाउंट लाजमी देख लेंगे। सोडियम अब 133 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देना है, मतलब 1000 पर लीटर, उसमें 133 से 145 हमने लेना है, इससे ज्यादा की अमाउंट नहीं होनी चाहिए और इससे कम की भी अमाउंट नहीं होनी चाहिए। अगर सोडियम बराबर हो इसी अमाउंट पे हो तो ये हमारा बेस्ट, हमें बेटर रोल इन रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड बैलेंस एंड ब्लड ब्लड प्रेशर। इसमें अगर हमारा इससे सोडियम की मिकदार को नॉर्मल वे में रखा जाए तो हमें बहुत सारे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर अगर ये ज्यादा हो जाए सोडियम तो हाई ब्लड प्रेशर का डर, स्वेलिंग लीडिंग टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एक्सेसिव थर्स्ट, ये सारी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। फ्लूइड फ्लूइड लेके आइए। नेक्स्ट 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 जरा फोन कीजिएगा। पीछे सो वन स्लाइड पीछे जाइए प्लीज।
नहीं, बैक बैक जाइएगा, से बैक, नहीं आप आगे जा रहे हैं, पीछे आइए, योर स्टोरी मत स्टोरी माना, सॉरी पीछे, सोडियम लेके आइएगा, फ्लूइड से पहले था, हेलो जी मैम, अब आवाज आ रही है आपकी, हेलो ये आवाज आ रही है आपकी, आप जी, बैक कीजिएगा, स्लाइड्स कौन, सोडियम सोडियम लेके आइएगा प्लीज, पीछे पीछे कीजिएगा, और पीछे फर्स्ट फर्स्ट से पीछे, हेलो जी मैम, हेलो, जी जी कंटिन्यू। सही जी, अब यहाँ पे एक ये स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि कट आउट कैसे करना है और किस चीज को ऐड करना है, ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कि भी नमक की मिकदार को कम कर दें, और ऐसी चीजें जहाँ जिसमें सोडियम पाया जाता है उसकी मिकदार को कम कर दें। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा, ये जो भी डाइट आप बनाएंगे, जो हमारे जितने भी फूड कंपोजिशंस हैं उसमें ये चीजें नहीं लिखी हुई है, आप लोगों को स्पेशल ये खुद ढूंढ के अपने लिए फूड कंपोजिशन बनानी पड़ेगी। हर चीज को भी नॉर्मल रिकमेंडेशन कितनी है और इस डिजीज में अलाव कितना है उसको लेके, इसको देखते हुए देखिए, जैसे मैंने ये इसलिए आपको ये दोबारा वापस लेके आई इस पे, कट आउट करना है साल्ट को और हाई सोडियम किस तरीके से, और ऐड हर्ब्स करने, स्पेस लेमन वेनिगर, इसमें कितना पाया जाता है आपको पता होना चाहिए। तो फूड कंपोजिशन जब आप खुद अपनी बनाएंगे, अरेंज करेंगे, चीजें ढूंढेंगे, नेट से देखेंगे, और उसके बाद आप अपने फूड कंपोजिशन बनाए, देखिए बाकी सारी चीजें अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको अलग अलग जगहों से ढूंढनी और बनानी पड़ेंगी, तो उसके लिए जो है ना, आप सोडियम की मिकदार बहुत सारी चीजों में नहीं है और बहुत सारी चीजों में है, तो वो आपको खुद बनानी पड़ेगी, आप लोगों को ढूंढनी पड़ेगी। आप जैसे अभी जो चल रहा है सिचुएशन है, बच्चे सारे घर बैठे हुए हैं, अब बेटर है इसमें अपना फायदा उठाएं, आप लोग अपने अपनी एक कंपोजिशन बुक बनाए, फूड कंपोजिशन, उसमें आप उसकी जितने भी चीजें हैं वो उसको लेके साथ चलें, ठीक है। आप फ्लूड पे आ जाते हैं, वो तमाम फूड जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जैसे सूप है, आइसक्रीम वगैरह है, और नीचे जो HD है वो कुछ छोड़ दें, ये डायलिसिस का है, नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट, अच्छा
अच्छा अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर फास्फोरस की मात्रा ज्यादा हो जाए तो क्या क्या इश्यूज आ जाते हैं? बोन डीकैल्सिफिकेशन हो जाती है, सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन हो जाती है, हाइपरथायरॉइडिज्म हो जाती है। ठीक है, तो ये एक अलग टॉपिक्स हैं, इन पे बहुत डिटेल में बात करेंगे हम। अब डाइटरी रिकमेंडेशन कितनी है, हमें देनी कितनी चाहिए? 800 to 1000 मिलीग्राम पर डे जो हमें अलाउ है वो है 800 to 1000 मिलीग्राम। और डायलिसिस जो है उसमें ये लिखा हुआ है, और बैंडेज रिमूव जो है ना, ये आप एक स्पेशल डाइट होती है इनके लिए, फार्मूला डाइट्स होती हैं, बनी भी होती हैं ये, फिर आप लोगों ने भी नहीं सुनोगे इनके बारे में। तो हमारी रिकमेंडेशन है 800 to 1000। मेरे इस टॉपिक पूरे समझाने का मतलब ये है कि आपने अगर इसको रिस्ट्रिक्ट करना है तो आप 800 से नीचे नीचे रखेंगे, 700 अगर नियर अबाउट रखना है तो 800, मतलब इससे ऊपर ऊपर आपकी डाइट जानी नहीं चाहिए। अब कंट्रोल फास्फोरस डाइट नेक्स्ट। अब ऑर्गेनिक फास्फोरस 40% अब्सॉर्ब, क्या डेयरी प्रोडक्ट है, मीट, पोल्ट्री, फिश, सोया, सोया मिल्क, ये नट्स, सीड्स, ब्रेड बीन्स, पीज, होल ग्रेन्स। इनऑर्गेनिक क्या है, फास्फोरस फूड एडिटिव, डायट्री सप्लीमेंट्स, कैल्शियम, फास्फोरस ब्लेंडर, इनएफेक्टिव रीड। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि जब आप कोई चीज लेने लगते हो तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों के लिए ये है कि आप उसको न्यूट्रिशन फैक्ट चेक करें, आप पढ़ें कि उसमें क्या क्या चीज है। अब किसी भी जैसे बात पेशेंट को आप देने लगेंगे, कोई भी चीज रिकमेंड करेंगे तो ऑलरेडी आपको उसकी हाउ नो होनी चाहिए तो ही आप दे सकेंगे। नेक्स्ट, सारे पेज पे ये जो बाइंडर्स हैं, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत बहुत सारी चीजें पाई जाती है, लेकिन ये जो है ना जस्ट उन पेशेंट्स के लिए हैं और डॉक्टर्स के लिए हैं, या फिर क्लिनिकल डाइटिशियन के लिए जो क्लिनिक में बैठे हैं और उन्होंने रिकमेंड करनी होती है कि भाई इसको डाइट से इतने देनी है, नेक्स्ट कर दीजिएगा प्लीज, डाइट से इतनी करनी है, इसको बैंडिंग कितनी करनी है, इसकी डायलिसिस में कितना देना है, अलग अलग उस चीज में। नेक्स्ट कैल्शियम आएगा, कैल्शियम खोलें। नेक्स्ट, कैल्शियम आएगा नेक्स्ट। अब इसमें सीकेडी स्टेज 1 to 4, 1 से 4 स्टेज तक जो किडनी डिजीज होती है उसमें 1200 to 1500 मिलीग्राम पर डे बेस ऑन DRI, मेन विटामिन D3, मतलब इसमें विटामिन D3 भी देना है साथ में 1200 से 1500 मिलीग्राम पर डे। आपकी सीकेडी स्टेज 1 पे कैल्शियम की रिकमेंडेशन भी है। सीकेडी स्टेज 5 या डायलिसिस, नॉट टू एक्सीड 2 ग्राम पर डे इंक्लूडिंग कैल्शियम बेस बाइंडर्स, मतलब आपने 2 ग्राम से पर डे में ऊपर नहीं देना विटामिन डी, एक्टिवेटेड विटामिन डी। ठीक है, कंट्रोल इंपॉर्टेंट। अच्छा सबसे नीचे एक हेडिंग है, रेनल डाइट इज 500 to 800 मिलीग्राम पर डे, 500 to 800 मिलीग्राम पर डे, लो मे फूड हाई इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट प्लीज। सीकेडी स्टेज 1 में पोटेशियम यूजुअली नॉट रिस्ट्रिक्ट होती है, सीकेडी स्टेज 4 और 5 और HD में करेक्ट लैब्स की लैब्स अगर करेक्ट आ जाते हैं, बैटरी गोली यूजुअली 2 to 3 ग्राम पर डे होती है अगर 4 to 5 पे हो, जस्ट पास सीरम लेवल लेवल अगर जो हमारा लैब आ जाती है, लैब्स को देखते हुए और उसके रिजल्ट को देखते हुए हम लोग रिकमेंड करते हैं पोटेशियम की। इस बात का नेक्स्ट, फ्रूट एंड वेज 2 to 20 to 150 मिलीग्राम, मीडियम 150 to 250 मिलीग्राम, हाई 250 to 550 मिलीग्राम। पोषण साइज एसेंशियल, अवॉइड साल डायरी 1 कप 380 to 40 मिलीग्राम, हाई फॉस्फोरस फूड, लो पोटेशियम फूड क्या है, एप्पल, ग्रेप्स, बेरीज, पाइन एप्पल, कैबेज, ग्रेन, टेंजरीन एंड कैलीफ्लावर। ठीक है, हाई अवॉइड हाई। अच्छा अब हमारे में इसमें क्या है कि हमने
जो पोटेशियम लेना है उसमें लो पोटेशियम फूड, और हमने अवॉइड करना है हाईएस्ट फूड के लिए, हाई पोटेशियम फूड के लिए। उसमें ऑरेंज या उसके जूस आ जाते हैं, बनाना, पोटैटो, मैंगो, मेलन, एवोकाडो, टोमेटो और नट्स। ये जो आपके पॉइंट्स हैं, ये मिलीग्राम, ये सारे आपको आने, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स स्नैक कीजिएगा, ये लिए ये चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है एज अ डाइटिशियन। ये सब कुछ आपको आना चाहिए कि किसने कितने मिकदार में क्या पाया जाता है। इसमें सप्लीमेंटेशन की बात की गई है जो कि आपके लिए नहीं है। लास्ट कंक्लूजन निकालिएगा इसका। इसे हाँ, ये न्यूट्रिशन के लिए रहती। अच्छा, अब असेसमेंट क्या है आपकी? आपने पूरा लेक्चर ले लिया है, आपने सबसे पहले डाइट हिस्ट्री ली, आपने कोई नेक्स्ट जो असेसमेंट होती है, आपने पेशेंट ले लिया, डाइट हिस्ट्री एंड एनी चेंज इन डाइटरी इनटेक, कोई चेंज करना हो या कुछ करना हो, वेट हिस्ट्री ले ली है आपने, उसको लैब्स करवा ली हैं, सिम्टम्स देख लिए हैं उनके, मतलब घर के कुछ फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सारे देख लिए हैं, अंडरलाइन मेडिकल कंडीशंस उसकी देख ली हैं। अब मैनेजमेंट क्या है? ओरल डाइट, ओरल डाइट प्लस एक्स्ट्रा स्नैक्स, देन ओरल डाइट एक्स्ट्रा स्नैक्स सप्लीमेंट्स, ओरल डाइट सप्लीमेंट्री एनजीआईटीजीडी। अच्छा, अब नीचे जो बात है ना वो आपकी नहीं है, वो मेडिकल के लिए है। अच्छा, कंक्लूजन पे आ जाइए। अब क्या है कि ये क्या है? अब इन सारी बात से क्या फर्क किया है कि पुअर न्यूट्रिशन इज कॉमन इन सीकेडी एंड जीएच पेशेंट एंड हैज एडवर्स रिस्क फैक्टर। आपने डायलिसिस पे देखा होगा जितने भी पेशेंट्स हैं वो बेड रिडन होते हैं, उनकी बॉडी की मूवमेंट बहुत कम होती है, वो कुछ बहुत रेयर हैं चल भी सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो डायलिसिस पे, सवेरे डायलिसिस पे होते हैं स्टेज लास्ट स्टेज पे, वो तकरीबन पुअर न्यूट्रिशन के साथ अवेल होते हैं। इनकी न्यूट्रिशन काउंसलिंग पार्ट ऑफ अप्रोच टू सीकेडी एंड डायलिसिस पेशेंट, रूटीन न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग असेसमेंट शुड बी डन फॉर सीकेडी एंड डायलिसिस पेशेंट, क्वालिफाइड रेनल डायटिशियन मस्ट बी इंक्लूड इन द स्टाफ ऑफ द एवरी डायलिसिस यूनिट। ये नीचे जो है ना मेडिकल स्टाफ के लिए, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। इसमें से कोई सवाल हो तो आप साथ साथ करते जाइए। जी मैम, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट किसी ने पूछा हुआ स्टेज 5। स्टेज 5 जो होते हैं ना सीकेडी का लास्ट है स्टेज होता है, जिसपे तमाम मेडिसिन जो भी हमारी है वो अफेक्ट करना छोड़ देते हैं, किडनी पे किडनी वर्क करना छोड़ देते हैं। किसी भी पेशेंट को जिंदा रखने के लिए डायलिसिस का सहारा लिया जाता है कि जब तक डायलिसिस होता रहता है वो पेशेंट जो है ना वो थोड़ा बहुत सर्वाइव कर पा रहा होता है। लेकिन एंड लास्ट स्टेज होता है उसकी, जो डायलिसिस पे पेशेंट चला जाता है उसकी बेस्ट मेडिसिन से रिकवरी होना ना मुश्किल है। नेक्स्ट कीजिएगा। इस सारे इस स्लाइड में आप लोगों को बताया गया है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कौन से ऑर्गन इस्तेमाल होते हैं। अब स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉलब्लैडर, पैनक्रियास। नेक्स्ट, अब क्या है कि जब हम डाइट लेते हैं डेफिनेटली स्टमिक में जाना उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम अमूमन हो जाते हैं गैस्ट्रो के साथ साथ। वो कहते हैं टिश्यूज ऑफ द माउथ ऑफ रिफ्लेक्ट द पर्सन बेसिक न्यूट्रिशन स्टेटस इन माल न्यूट्रिशन टिश्यूज ऑफ द माउथ डिटोरेट बिकमिंग इन द न्यूट्रिशन स्कैन। इसके ऊपर अगर माउथ प्रॉब्लम्स, अब हम माउथ प्रॉब्लम से लेके चलते हैं, जो फर्स्ट प्रॉब्लम होती है आप नेक्स्ट करें, आप उनके साथ साथ वो आती जाएगी। इसकी पिक्स लेके आइए। ठीक है, ये है क्या? जेंजिवाइटिस, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स। आपने गम्स के इर्द गिर्द देखे, स्वेलिंग है, ब्लीडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट,
stomatitis, inflammation of the oral mucosa lining of the mouth. इर्द गिर्द आप देखिए जो मुंह के अंदर छाले बन जाना, वाइट वाइट से और रेडिश हो जाना, ये सारे. नेक्स्ट ग्लोसिटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग. ठीक है, नेक्स्ट चियोलासिस, देखिए क्रैकिंग एंड स्केलिंग एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ. मतलब अब आपने तीन अलग अलग डिजीज देखी हैं जो कि मुंह से शुरू होती है, मुंह की है. ठीक है, गम्स का हो जाना, लाइनिंग हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, दाने बनाना मुंह के अंदर, और टंग के ऊपर छाले बन जाना, और मुंह के बाहर साइडों पे कॉर्नर पे खारिश होना और फट जाना. ठीक है, ये सारा ताल्लुक, इस सब का सारा सारा हमारे गैस्ट्रिक से होता है. डाइटरी मैनेजमेंट आ जाती है. पेशेंट गिवन हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी लिक्विड एंड सॉफ्ट फूड. मतलब आपने देखा होगा कुछ हाला निकला होगा तो आप लोग डाइट नहीं ले पा रहे होते हैं. ठीक है, तो हाई प्रोटीन डाइट देनी है, हाई कैलोरीज देनी है, लिक्विड एंड सॉफ्ट फूड देना है. नॉन एसिडिक, नॉन स्पाइसी फूड अवॉइड करना है. टेम्परेचर एक्सट्रीम सर अवॉइडेड. बहुत गर्म चीज नहीं ले सकते उस टाइम, वैसे भी नॉर्मली नहीं सकते, देनी भी नहीं चाहिए. माउथ वॉश इन माइल्ड ट्रॉपिकल. ठीक है, अब जो सीवियर डायरिया के साथ आते हैं उन्हें लो रेसिड्यू डाइट के साथ रखा जाता है. नेक्स्ट, अच्छा, मिल्क, बटर मिल्क लिमिटेड 2 कप पर डे, चीज, बटर, मार्जरीन, एग, एक्सेप्टाइड, चिकन, फिश, स्वीट ब्रेड, बीफ एंड लैम्स टू ब्रॉथ. पाकिस्तान में ज्यादा में ब्रॉथ ही चलती हैं. कुक वेजिटेबल विदाउट फॉरेस्ट फाइबर्स, वाइट क्रैकर्स, मैक्रोनी नूडल्स, कस्टर्ड एंड वनीला आइसक्रीम. जो इसमें बहुत सॉफ्ट चीजें दी जाती हैं, नॉर्मल कॉफी, टी, कोका और कार्बोनेटेड जो बेवरेज होते हैं उसको अवॉइड किया जाता है. इजाजत होती है लेकिन बहुत कम. साल्ट, शुगर, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पाइसेस 10 पर मिनट. मतलब इसमें कॉफी, टी, कोका और कार्बोनेट बेवरेज से वैसे मना होती है. नेक्स्ट, अब इसमें सारी इसमें अल्सरेशन बताई गई है. पेप्टिक अल्सरेशन एजन ऑफ द मोकस मेम्ब्रेन कैन अकर इन द स्टमक, गैस्ट्रिक अल्सर ऑफ द डेडिनम, डेडिनम फैक्टर जेनेटिक हाई सेक्रेशन ऑफ. नेक्स्ट दीजिएगा प्लीज. पेप्टिक अल्सर में होता क्या है कि गैस्ट्रिक पेन होता है. ठीक है, और इसका ये सारा मेडिकल का लिखा हुआ है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, सिम्टम क्या होनी चाहिए, हमने क्या करना है. जो हमारा काम है, सफिशियंट लो फैट प्रोटीन देनी है. सफिशियंट लो फैट प्रोटीन देनी है जो हमारा ताल्लुक है. हमने इनको कैफीन से दूर रखना है, अल्कोहल, एस्पिरिन एंड स्मोकिंग से काउंसलिंग करनी है, और बैलेंस डाइट देनी है, 3 मील्स देने हैं पर डे. जो पेप्टिक अल्सर को पेशेंट को सिर्फ हम जो रेकमेंड करते हैं वो यही चीज़ें होती हैं कि भाई हमारा ताल्लुक क्या होता है कि सफिशियंट लो फैट प्रोटीन देनी है, अवॉइड करवाना है कैफीन से, और उनको बैलेंस डाइट देनी है और 3 मील्स देनी है पर डे. नेक्स्ट कीजिएगा पेज. पहले मैं बता दूं बाउल डिजीज होती क्या है. अ क्रोनिक कंडीशन कॉजिंग इन्फ्लेमेशन इन द जीआई ट्रैक सच एज अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड द क्रोन डिजीज. ठीक है, मतलब क्या होती है कि असर हो जाना. ठीक है, और हमारा ताल्लुक है कि हमने इनको इसमें लो रेस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट कीजिएगा. लो रेसिड्यू डाइट देनी होती है 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन, एडिशनल कैलोरी, विटामिन्स एंड मिनरल के साथ.
है लो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट जी। बाउल डिजीज में क्या होता है, लो रेसिड्यू डाइट, 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन, एडिशनल कैलोरीज, विटामिन एंड मिनरल। और सीवियर केसेस में ऐसा भी होता है कि टीपीएम पेरेंटल सीवियर केस में रिक्वायर्ड टोटल सेंट्रल न्यूट्रिशन भी देनी होती है। ठीक है, आपने इसका ये नेक्स्ट आप परेशान ना हो, ये जो मैं तेजी से पढ़ा के आगे जा रही हूँ, ये फर्दर जो आप लोगों के लेक्चर होने ना उनमें वन बाय वन ये सारे डिजीज डिस्कस होंगी। जस्ट हम इसका इंट्रो दे रहे हैं किसने क्या क्या चीज होती है, ताकि आपके इल्म में ये बात आ जाए कि इसमें क्या कितने ग्राम क्या क्या चीज पाई जाती है और हमने इस डिजीज में देना क्या क्या है। सिलिक डिजीज है आगे, ठीक है, ये माल एब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली ऑल न्यूट्रिशन सेम टाइम क्या होता है, डायरिया हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, मैंने जितने भी सिलिक डिजीज हैं जितने भी सिलिक पेशेंट है सॉरी उन तकरीबन के साथ यही इशू होता है कि इनको डायरिया, वेट लॉस, माल न्यूट्रिशन, स्टूल और फूड स्मेलिंग, लाइट कलर्ड एंड बल्कि इसका क्या होता है कि सिलिक डिजीज को ग्लूटेन नेक्स्ट कीजिएगा ग्लूटेन कंट्रोल डाइट दी जाती है। ग्लूटेन इज अ प्रोटीन फाउंड इन अ बैडली ऑट एंड वीट व्हिच इज डिफिकल्ट टू अवॉइड, राइस एंड कॉर्न मे बी यूज्ड। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि हमने इसमें गंदम और गंदम से एलर्जी होती है, तो गंदम से एलर्जी होने की वजह से हम इसको बेसन की रोटी, चावल की रोटी ये देते होते हैं पेशेंट बार बार वो यूज करके, जिसकी वजह से उसको डायरिया की शिकायत, ज्यादातर डायरिया की शिकायत होती है और इनके इनका वेट भी बहुत तेजी से गिरता है। इसको भी बहुत ये वाले पेशेंट भी बहुत हमने क्रिटिकल होते हैं, इनको भी बहुत हमें आराम से तहमुल से लेके चलना होता है। ज्यादातर हम इनको राइस और कॉर्न में भी यूज करते हैं। सेरोसिस लिवर डिजीज है, ये भी एक्यूट क्रॉनिक हो सकता है, मौसम का बदल, अल्कोहलिक अब्यूज को छोड़ें। अच्छा, डाइटरी ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 25 टू 35 कैलोरीज और मोर पर केजी ऑफ वेट एंड 0.2 टू 1.0 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ वेट ईच डे। नेक्स्ट कीजिएगा। जो रिकमेंडेशन है, हर डिजीज की रिकमेंडेशन लिखी हुई है, आपका ताल्लुक इस रिकमेंडेशन को के साथ है, इसको आपने नोट करना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। Dietary treatment consists of at least 25 to 35 calories or more per kg or weight and 0.8 to 1 gram of protein per kg of weight each day. In advanced diseases, 50 to 60% of the calories should be from carbohydrate. Fat or protein may not be a well tolerate, vitamin and minerals may not be a supplement, nor alcohol is allowed. So next page. अब हमें डायटरी रिकमेंड आपको पता चल गई है, जब आप प्रैक्टिकली आप इस पे काम करते हो तो ये सारी रिकमेंडेशन आपको बहुत जरूरी होती है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई मैंने 20 से 35 कैलोरीज पूरी करनी है पर केजी से और 0.8 to 1.1 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना है पर केजी और मुझे 50 to 60% कैलोरीज को कार्बोहाइड्रेट से पूरा करना है, फैट और प्रोटीन को हमें टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, तो विटामिन एंड मिनरल भी सप्लीमेंट से देना है और अल्कोहल तो वैसे भी अलाउड नहीं होता। हेपेटाइटिस नेक्स्ट। सिम्टम्स और हेपेटाइटिस की ये आपको ऑलरेडी मालूम होगा, मैं इसकी थेरेपी पढ़ाती हूँ, टाइम बहुत कम है। डाइट शुड प्रोवाइडेड 35 to 40 कैलोरीज पर केजी ऑफ बॉडी वेट, मोस्ट कैलोरीज शुड बी प्रोवाइडेड बाय द कार्बोहाइड्रेट, फैट इंटेक शुड बी मॉडरेट, इफ द necrosis is not severe up to 70 to 80 gram of protein is needed for the cell regeneration. If the necrosis is severe, protein must be limited to prevent the accumulation of ammonia in the blood. Okay, ab hepatitis mein kya hota hai, ye aapko आवाज आ रही है? हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है मैडम। इसमें जो हेपेटाइटिस में हम लोग मोस्टली कार्ब पे रख के उनकी कैलोरीज को पूरा करते हैं,
35 to 40 कैलोरीज पर केजी जब हम लेते हैं वेट का, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी केजी होगा ये कैलोरीज आपके पास आ जाएंगे। तकरीबन हम कार्बोहाइड्रेट से पूरा करते हैं, क्योंकि हमने जब प्रोटीन करनी है ठीक, तो कार्ब से आपने कार्ब का को ऐसा पेशेंट भी आ जाते हैं कि आप जब उसकी प्रॉब्लम आ रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके साथ, आप प्रोटीन नहीं दे रहे हो या प्रोटीन कम दे रहे हो, 70-80 ग्राम दे रहे हो, या सवेर है तो आप लिमिट कर रहे हो उसके, प्रिवेंट कर रहे हो, तो डेफिनेटली अब डाइट चली जाती है कार्ब और फैट के ऊपर। जब कार्ब के ऊपर फैट इससे ज्यादा का लेवल भी हम नहीं दे सकते ऐसे पेशेंट्स में, क्योंकि अदर इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट पे रखते हैं। लेकिन साथ साथ में आपने उनकी देखना भी होता है कि उससे भी और अदर इश्यूज तो नहीं होते हैं। हाई फाइबर डाइट देनी होती है, 25 to 35 ग्राम। ये हाई फाइबर डाइट आपको पता है बहुत सारी चीजें जाती है कहाँ, जिसमें होल ग्रीन ब्रेड्स और सीरियल्स होते, फ्रूट वेजिटेबल, ये सारे आप नो दैट बेटर। अच्छा अब एंड पे आ जाएं आप, लो लो फाइबर डाइट जो है ना, 5 to 10 ग्राम ऑफ फाइबर पर डे, जस्ट 5 to 10 ग्राम ऑफ फाइबर पर डे टू रिड्यूस द नॉर्मल वर्क ऑफ इंटेस्टाइन एंड रिड्यूस इट फूड रेजिलियंस। ठीक हो गया। सोर्सेज आपके पास है इसमें, नेक्स्ट 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 मिल्क, बटर, कॉटेज चीज, ये सारे आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में, लिखी हुई कंसेप्ट वगैरह क्या। लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, उनका कंक्लूजन देख लेते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। पेप्टिक अल्सर में ड्रग अवॉइड करना होता है अल्कोहल अल्कोहल और कैफीन को। पेप्टिक अल्सर की डाइट में हमने अल्कोहल और कैफीन को कम करवाना होता है, रोकना होता है। डायबिटिक डायबिटिकोलोसिस हाई फाइबर डाइट देनी है। डायवर्टिकोलाइसिस में हमने ग्रेजुअल प्रोग्रेशन फ्रॉम द क्लियर लिक्विड टू द हाई फाइबर डाइट। हेलो, जी मैम, जी, अच्छा बिक गया। अच्छा अल्सरेटिव कोलाइटिस लो रेसिड्यू डाइट कंबाइन विद हाई प्रोटीन हाई कैलोरीज। सरोसिस में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ऑफ फैट, प्रोटीन, साल्ट और फ्लूइड। हेपेटाइटिस में हमने वेल बैलेंस डाइट, आल्सो प्रोटीन में भी रिस्ट्रिक्ट। अब ये जो 4-5 पॉइंट हैं ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। कोलेसिस्टाइटिस एंड कोलिथायसिस फैट रिस्ट्रिक्ट डाइट, एंड इन केस ऑफ द ओवरवेट एंड कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट डाइट एज वेल। पैनक्रियाटिक टोटल कंट्रोल में होना चाहिए, ये छोड़ेंगे आपकी का। आप लोगों की टाइमिंग क्या है इस टाइम, मैम रात ये कितने बजे तक जो एंड होना है? सैटरडे संडे देनी है ये, मतलब आज सारे? नहीं, मैंने आज क्लियर करना है सारा। ओके, तो 5 मिनट का ब्रेक रख लें या एक कवर कर लें टॉपिक और? एक कवर करने के बाद ब्रेक कर देते हैं। चलें ठीक है। अच्छा अब मेरे पास जो आप लोगों का टॉपिक आया था रेस्पिरेटरी रेट पे आया था, कोविड क्या होता है कि ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है, ठीक है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। इसका काम क्या होता है कि ये स्लो कर देता है एडवांसिंग ब्लॉकेज ऑफ द एयर वेज इन द लंग्स। मतलब हमारे सांस लेने के जो लंग्स होते हैं, एयर वेज होते हैं, उनकी ब्लॉकेज कर देना। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? नेक्स्ट प्लीज। ये रिड्यूस कर दे रेस्पिरेटरी मसल्स को, ब्रीथिंग मसल की फिटिज हो जाती है, रिस्क इंक्रीज कर देता है रिस्क के इन्फेक्शन को, और माल न्यूट्रिशन कर देता है। अब जहां जहां आप लोगों के टॉपिक बात आती है माल न्यूट्रिशन, उसको जरा गौर सुनिएगा।
malnutrition as either too much, not enough, or an imbalance of nutrition. 20 to 70% of COVID patients are malnourished. Malnourished usually is based on not getting enough nutrition. खैर इसको छोड़ें, आप आगे चलते हैं. अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. अप टू 140% ऑफ द एनर्जी इज नीडेड. अप टू 140% डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कॉज डिफिकल्टी इन ईटिंग. सांस की नाली और खुराक की नाली बिल्कुल एक साथ हैं. जब हम ब्रीथ सही नहीं ले पाते तो हम खा भी सही नहीं सकते हैं. जितनी भी मेडिकेशन हो रही होती है इनकी gastrointestinal side effects हो रही होती है. ऑक्सीजन टू द gastrointestinal tract डिक्रीज हो रहा होता है. टू मच कार्बन डाइऑक्साइड कैन काज, ये आपकी बात नहीं है. अच्छा, इसमें लिमिट पे आ जाए, पीछे बैक करें. कार्बोहाइड्रेट लिमिट, कार्बोहाइड्रेट एक स्लाइड पीछे घूमिएगा. अच्छा, लिमिट कार्बोहाइड्रेट इनटेक. Follow a high protein diet with a moderate carbohydrate. Reduce carbohydrate consumption. Start by limiting these foods: soda, sweet tea, candy, cake, desserts, starch, fruit, milk. Limit salt. Follow a low sodium or no added salt diet. Reduce sodium or salt consumption by limiting these foods: canned food, snack food such as chips, crackers, popcorn. Food such as stuffing, rice, mixed cured meat, chicken such as a ketchup, barbie, sauce, salt, जितनी भी सारी चीजें हैं ये जो limitation है मेरा कम इतना. तो आपको भी flavor food without salt. Here are some ways to season food without salt. For a tart flavor, add lemon juice, or vinegar. Food for the hot flavor, add peppers or the 1 to 2 drops of the hot sauces. अच्छा, इतनी simple बताया भाई. ये जो हम sauce soup वगैरह पीते हैं या फिर जो चीजें होती है उसमें सीजनल इसकी जगह उसकी जगह पे क्या डालना चाहिए. अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है इंक्रीज प्रोटीन इंटेक. नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. प्रोटीन नीड आर इंक्रीज अप टू 1.2 टू 1.7 ग्राम पर डे. To calculate how much protein is needed, take a weight of the patient and divide it by 2.2. 2.2 क्या है? आप में से किसी को पता है 2.2 क्या है? Take the number and multiply it by 1.2 and 1.7. This will be give you the range of the protein needed. बिल्कुल पाउंड है, गुड एग्जांपल. 150 pounds डिवाइडेड बाय 2.2 इक्वल टू, मतलब ये आपके एक तरीका कार बताया हुआ है आपको कि आपका ऊपर वाला जो पहली पॉइंट है प्रोटीन नीडेड इंक्रीज अप टू 1.2 टू 1.7 ग्राम पर डे. हमने 1.2 1.7 ग्राम से के दरमियान में देना है, ठीक है. इस या अगर इससे बढ़ जाए तो आपने देखना है कंडीशन पेशेंट की. उसके बाद protein needed are 81 to 116 gram per day. अच्छा, अब इसमें पोर्शंस लिखे हुए हैं कि आपको इसमें नीड कितनी है. 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ounce ऑफ नट्स, 2 to 4 grams ऑफ प्रोटीन, 6 ounce ऑफ योगर्ट, 6 grams ऑफ प्रोटीन, 1.5 cup ऑफ कॉटेज चीज, 14 grams ऑफ प्रोटीन, 3 ounces of canned tuna, 25 grams of protein, 6 of steak, 42 grams of protein, 4 ounces of hamburger, 28 grams of protein, 3 ounces chicken breast, 26 grams of protein. ये आपको उसमें निकाल के दे दिया गया. Increase diet intake, increase calorie to reduce diet intake. अच्छा, अब क्या है कि dietary fiber fats जो हमने करने हैं increase करने calories को, तो हमने हमने कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस किए हैं, इंक्रीज डाइटरी फैट. उस फैट को हमने ओमेगा 3 फैटी एसिड पूरा करना है. नीचे चीजें लिखे कहाँ कहाँ से पूरी होंगी.
drink 8 cc of fluid per day may need to be reduced milk consumption, take fluid between the meal. अच्छा अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि खुराक जो खाना पानी इसका जो है ना खाने के दौरान दरमियान में लेना है, खाने के दरमियान में लेना है, और इसका जो फ्लूइड है उसको बहुत एहतियात से निकालना है और मिल्क की कंजप्शन को कम करना है. इनका विटामिन ए विटामिन सी की रिकमेंडेशन ज्यादा होती है. ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस, अगर बेटर ये है कि आप अपनी डाइट से, आप अपनी डाइट से बनाते हैं कोई डाइट कार्ड बनाते हैं जिसमें आपने ना फैट प्रोटीन कार्ब इन सब की आपने लिखा हुआ है कि भाई इसका डेली रिकमेंडेशन नहीं है, हमें इतनी देनी है, उसमें विटामिन सी देखिए कितना है, विटामिन ए देखिए कितना है, विटामिन डी विटामिन के और ये सारी विटामिन डी मल्टीविटामिन मिनरल इज एप्रोप्रिएट. ये ना आपको सारी, आपको अगर एक बेस्ट स्टार बनाना है इन सबको आपको देखना होगा. अच्छा अब गैस फॉर्मिंग फूड कैन कॉज ब्लॉटिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डायफ्राम इफ द कुकर्स अवॉइड द फायरिंग. अच्छा अब ऐसा होता है कुछ कुछ चीजें जो है ना वो गैस पैदा कर देती हैं, उसके लिए वो अवॉइड के लिए क्या है, ब्रोकली कैबेज ओनियन लीक, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए. नेक्स्ट अच्छा अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो लिखे, अवॉइड ओवर फीडिंग है, फ्रीक्वेंट स्मॉल मील, चूज न्यूट्रिएंट डेंस फूड, rest before meals, eat slowly, wear oxygen during meals, eat soft easy to chew food, remain upright for the 1 hour after meal, drink beverage between meals. ye jab aap diet chart dete ho uske end pe aap log na iske important points likhte ho, eat main meals with your family or others, wo sare hain. try to avoid constipation and training to fast, heart food increase fiber, increase antioxidants, try milk shake, reduce. theek hai अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिएगा. इसमें जो बताया गया है कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन जब हो जाए और सवेयर हो जाए तो भी जितने भी हमारे रिस्पिरेटरी के साथ पेशेंट हैं, अस्थमा के साथ हैं या जो भी हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है सांस लेने में और बाथरूम पास करने में. उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें हाई फाइबर डाइट उनको देनी है और शेक वगैरह उनको ट्राई करवाने हैं, सूप वगैरह उसके लिए. अच्छा अब ये क्या है डिस्कशन, जो डाइटिशियन का काम है रेगुलर रिव्यू ऑफ लैब रिजल्ट्स, नीड फॉर द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, इफ ऑरल इनटेक इज नॉट मीटिंग नीड अदर ऑप्शंस सच एज एक्टिव फीडिंग, ये अब डॉक्टर की रिकमेंडेशन है. नेक्स्ट यहाँ तक कोई बात आप में से कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, फिर ब्रेक करते हैं 5 मिनट की. किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? शहजाद ब्रेक कर लें 5 मिनट. अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने क्वेश्चन करना है. जी जी मैम, अभी आपने ये पीछे जहाँ पे वो कैलकुलेट किया प्रोटीन इनटेक, वहाँ पे आपने 2.2 से जो मल्टीप्लाई किया है वो मतलब मैं उस चीज को मैंने पढ़ा है लेकिन अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा. अच्छा जो अभी हमने पढ़ा है. जी जी बिल्कुल अभी. अच्छा फिलहाल वो स्लाइड निकालिएगा. अच्छा वो इसमें ना तरीका बताया हुआ है कि प्रोटीन नीड आर इंक्रीज अप टू 1.2 to 1.7 ग्राम पर डे. मतलब अगर आपको नीड है, जरूरत है, आप 1.2 से 1.7 के दरमियान ग्राम आप ले सकती हैं पर डे में, आपको इजाजत है. अगर आपको किसी पेशेंट के लिए जरूरत पड़ती है तो उसको, अगर पड़ती है तो उसको कैलकुलेट कैसे करें, टू कैलकुलेट हाउ मच प्रोटीन इज नीडेड, टेक द वेट ऑफ द पेशेंट एंड डिवाइड बाय 2. मतलब नॉर्मल जो हमारा पेशेंट है बिल्कुल कोई भी पेशेंट है उसका वेट आ जाता है 20, तो उसको डिवाइड कर देंगे 2.2 से. ठीक है, टेक द नंबर एंड मल्टीप्लाई, अब जो अब 20 है तो आपने मल्टीप्लाई किया 2.2 से. ठीक है, 2.2 से किया, वो आपका जो अमाउंट आएगी उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1.2 से या एंड 1.7 से. दिस विल गिव यू अ रेंज ऑफ प्रोटीन नीडेड. उसे कहने का मकसद ये है
इस पूरी बात में कि अगर किसी को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कितनी प्रोटीन आप दे सकते हैं। 1.2 से 1.7 ग्राम के दरमियान आप दे सकते हैं, ठीक हो गया। 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, कोई भी एक डिजिट आप उठा सकते हैं, इसको मुझे इतने देनी चाहिए। उसको कैलकुलेट करने का तरीका कितना है कि जैसे नीचे एग्जाम्पल है 150 पाउंड डिवाइडेड बाय 2.2, उसका आंसर क्या है 68, राइट। 68 मल्टीप्लाई 1.2 इज 82, 68 मल्टीप्लाई बाय 1.7 इज 1116। प्रोटीन नीडेड आर 81 टू 116 ग्राम पर डे। मतलब ये है कि आप वेट उठाएंगी, उसे पाउंड से मल्टीप्लाई करेंगी, आपका जो रिजल्ट आएगा उसे एक दफा 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगी, एक दफा 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगी, जो 1.2 और 8 का रिजल्ट आएगा, इसका मतलब है 80 से उन दोनों के दरमियान आप ग्राम पर डे दे सकती हैं। नहीं मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि इसमें जो 2.2 है, हाँ जी, वो पाउंड है, बाहर वाले पाउंड यूज करते हैं जी, 2.2 इसमें जो अमाउंट है, ये हम किसी के लिए भी कैलकुलेट करें, मतलब एडल्ट्स में और चिल्ड्रन में ये सेम ही रहेगा बेटा? वैसे हमारा जो नॉर्मली हम रखते हैं, हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि हम परसेंटेज पे रखते हैं, मीन जितने भी पेशेंट हमारे पास बिल फर्स्ट पेशेंट आ जाता है, हम उसकी कैलोरीज निकाल लेते हैं, आइडियल बॉडी वेट के मुताबिक उसकी कैलोरीज निकाल लेते हैं, उस कैलोरीज पे हमने जो है ना उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं कि हमने प्रोटीन की नॉर्मल रिकमेंडेशन इतनी है, अगर हमें हमारी इतनी है, कार्ब को हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है या फैट को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है या इन दोनों में दोनों की रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो प्रोटीन की मिकदार को हमें बढ़ाना है, तो जो उसकी नॉर्मल हमारी रिकमेंडेशन है उससे 5%, 10%, 15% हम ऊपर कर सकते हैं, हम ऐसे लेते हैं नॉर्मली। आप लोग भी आगे क्लिनिकल जाएंगे तो क्लिनिकली जब आप करोगे तो आपको इस तरह ये एक तरीका बताया हुआ है कि भाई प्रोटीन को अगर आपको पता हो कि भी नीड है, जरूरत है, तो आपने इस तरीके से चलना है। ओके ठीक है, थैंक यू। किसी और का कुछ सवाल? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी बेटा। मैम मेरा ये क्वेश्चन था, आपने स्टार्ट में एक बोला था कि प्रोटीन की रिकमेंडेशन की स्टेजेस के बारे में आपने बताया था, तो मैम हमें जो टीचर ने बताया कि वो करते हैं, मतलब उसकी जो बेटा किस डिजीज के बारे में बात कर रहे हो? हमने अब तक तीन डिजीजेस पढ़ ली हैं, किस डिजीज के बारे में बात कर रहे हो? सीकेडी में पर बात कर रहे हो, गैस्ट्रिक कर रहे हो या मैम रीनल 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 फेलियर? अच्छा की बात कर रहा हूं, आपने डायलिसिस के अकॉर्डिंग वो बात की थी कि उसमें आपने मैम प्रोटीन के लिए स्टेजेस को मतलब डिवाइड किया हुआ था उसकी प्रोटीन रिकमेंड करने के लिए, तो मैम आप उसमें हमें क्या कहते हैं ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है मैम, उसको जो क्या उसके रेट को डिसफंक्शन के साथ, तो उसको हम मैम रिकमेंड करते हैं पर्सनल मतलब ब्लड यूरिया क्या कहते हैं नाइट्रोजन लेवल और क्रिएटामाइन एल्ब्यूमिन ट्रांसफेरिन वगैरह इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यूज जो होती है मैम, उसके अकॉर्डिंग नहीं मैम उसको हम रिकमेंड करते? हाँ जी, देखें आप जो आपने मेरे वो स्लाइड खुल जाए तो मैं आपको बेहतर समझा सकती हूँ। बिल्कुल आपने ऐसा ही है, लेकिन जो रिकमेंडेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग है, एक आप लोग जब लेक्चर एक ख़त्म हो ना तो उसी टाइम क्वेश्चन कर लिया आप करें, ठीक है, तो ज़्यादा इजी हो जाता है। अब मैंने सारे नोट्स साइड पे रख लिए हैं,